हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव खंडेहा है, मजरा अरखन का डेरा है। वहां पे पोषाहार नहीं मिलता है, जैसे धात्री और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता है। जो बच्चे कुपोषित भी हैं उनको भी पोषाहार नहीं मिलता है, ना उनको सही से सलाह दिया जाता है, ना बताया जाता कि कैसे उनके इलाज हो और कैसे वो सही सलामत रहे। 6 महीना में साल भर में एकाध बार पोषाहार बांट दिया जाता है, इसके बाद दोबारा पोषाहार उस गांव में नहीं बढ़ता है। जबकि सरकार के तरफ से नियम है, आंगनबाड़ी केंद्र हर महीना वहां उस गांव में पोषाहार बांटे समूह के द्वारा, लेकिन हर महीना पोषाहार नहीं बढ़ता है। वहां के महिलाओं का कुछ कहना है कि बस साल में 6 महीना में एक बार आकर बांट देती हैं और जो बच्चे कुपोषित भी होते हैं उनको कुछ सलाह भी नहीं बताती, ना कुपोषित के लिए कुछ राशन दिया जाता है। तो आपके यहाँ पोषाहार मिलता है जैसे धात्री गर्भवती महिला को? नहीं। कब से नहीं मिलता? ये लगभग 7-8 महीने से नहीं मिला। एक बार मिला था चावल और गेहूँ 1-1 किलो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं मिला। जैसे जिनके बच्चे कुपोषण हैं उनके लिए क्या मिला? उनके लिए तो कहीं कुछ नहीं मिला। अभी हमारी बच्ची भी 5-6 महीने की हो गई लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। स्कूल लगती है, आंगनवाड़ी नहीं आती ही नहीं है, तो देंगी क्या? जब कभी आती नहीं है, साल 6 महीने में कभी एक बार आती हैं तो 15-20 मिनट रुकेंगी। हम कहीं खेत में हैं तो कहीं घर में हैं तो कहीं और हैं, कभी जानकारी मिलती है कभी जानकारी नहीं मिलती। जब जानकारी मिलती है तो पहुंचते हैं, तो आती हैं, अपना जो उनका काम रहता है आकर के चली जाती हैं। इतना दिन का हो गया, 5-6 महीने की हमारी बच्ची हो गई, इसका वजन भी नहीं हुआ, ना तो इसका सरकारी अस्पताल में कोई इलाज के लिए बताया। मैडम के पास जाते हैं, टीका लेते हैं, दवा देती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बताती नहीं है हमारे लिए। हमको पता भी नहीं है कि ये कितना है इसका वजन। दीदी यहाँ पे ये नियम है कि जो बोलते हैं कि 3 साल से लेकर 6 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चे को देती हैं, और जो 3 साल से 1 महीना ज़्यादा है तो उसको नहीं देती हैं। तो आपके यहाँ पोषाहार मिलता है? हाँ मिला था एक बार। कब मिला था? 8 महीना हो गया। इसके बाद नहीं मिला। वो लोग कभी आती है कभी नहीं आती है, जब सरकार देगी तभी तो मिलती है, बोलती है हमसे ऐसे ही। स्कूल खुलता है नहीं खुलता, यहाँ आती भी नहीं, देखती भी नहीं है कभी। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और क्या करेगी, पढ़ाने नहीं आती है, पंजूरी भर देने आ जाती है एक बार, बस हो गया। 1 महीना में 1 बार पोषाहार देती हैं तो क्या क्या देती हैं? दाल हो गई और दूध दिए थे। दूध कितना दाल था, कितना दूध था? 500 ग्राम होगी। दूध और दूध 1 पैकेट दिए थे पाउडर वाला, और नहीं और कुछ नहीं। इससे मेरा यही कहना है कि जो भी महिलाएं ऐसा कह रही हैं वो मुझे लिखित में सूचना दे दें कि किसको किसको लाभ नहीं मिला हुआ है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो पोषाहार मिलता है वो लाभार्थी और उसका निश्चित है गर्भवती धात्री महिलाओं को ही मिलता है। अगर ऐसा कोई लाभार्थी है जो महिला मतलब गर्भवती या धात्री अगर उसको ना मिला हो तो उसकी लिखित सूचना मुझे दें, उनको तत्काल पोषाहार प्राप्त कराया जाएगा। और इस संबंध में मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से भी बात किया है, उसने कहा है कि उस नियमित रूप से पोषाहार का वितरण करती है, जब भी आता है शासन से जब भी मिलता है, कभी विलम्ब भी हो जाता है, जैसे ही आता है यहाँ से स्वयं सहायता समूह उठाते हैं और स्वयं सहायता समूह उठाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को वो लोग सुपुर्द करते हैं, फिर वो वितरण करती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।